हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेयर केयर के ऊपर। तो एक्चुअली मैं आज आपको हेयर केयर के बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ गाइस वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो स्किप मत करना। तो हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, हमारे हेयर में बहुत डैंड्रफ की वजह से ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे हम बहुत परेशान होते हैं। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो अगर आप ये यूज़ करोगे तो आप कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देख। सबसे पहले आपको लेना है फ्रेश करी लीव्स एंड उसमें आपको ऐड करनी है एक चम्मच चाय पत्ती, जो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ करनी है। तो इसको वॉश करके आपको अच्छे से एक बॉल में लेना है और उसके साथ इसको उबाल आने तक उबालना है, और इसका जो वाटर रहेगा वो आपको यूज़ करना है मेहंदी में। तो ये उबालने के बाद आप इसको छन्नी से छान के आपको इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाइम हर्बल हीना मेहंदी पाउडर, जिसमें है लाइम की फ्रेशनेस और नींबू जैसी ताजगी। तो नींबू से हमारे डैंड्रफ है वो काफ़ी हद तक रिमूव होता है। तो इसमें है नींबू की फ्रेशनेस है जो कि हमारे डैंड्रफ को 95% दूर करने में मदद करता है। तो इसमें है शिकाकाई आंवला, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि हम हमारे बालों में नेचुरल मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बाल जो है वो ऑटोमेटिक हेल्दी और सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं। तो आपको एक बॉल में मेहंदी का लेना है और उसी के साथ जो हमने वाटर लिया है जो चाय पत्ती का, तो वो आपको लेना है। थोड़ा सा हीट होना चाहिए, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ निशा, बिकॉज निशा का मैं सिर्फ एक चम्मच ऐड कर रही हूँ, बिकॉज हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर चाहिए। तो इसलिए मैं बस 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, आपको निशा मेहंदी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा वाटर डाल के मिक्स करना है अच्छे से मिक्स। यहाँ पे कोई लम्स नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के चम्मच से अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो मिक्स होने के बाद आपको एक पेस्ट ऐसा इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा से आपको यहाँ पे लम्स नहीं चाहिए, बिकॉज लम्स होने से वो बालों में अच्छे से नहीं बैठते हैं। तो मेहंदी लगाने से पहले हमारे बाल कंघी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल्स होते हैं, तो टैंगल्स की वजह से हमारे जो मेहंदी है वो अच्छे से नहीं सेट होती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने बाल कॉम्ब करना है। तो कंघी करने के बाद आप फिर बालों में मेहंदी अप्लाई कर सकते हो। तो मेहंदी अप्लाई करने के लिए आप इस तरीके का हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सेल्फ मेहंदी लगाना है तो आप इस तरीके से ब्रश से अपने हेयर को कवरेज कर सकते हो। तो आप रूट्स पे ज़्यादा लगाना, बिकॉज़ हमारे रूट्स पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है और हमारे डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप मेहंदी से ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो आप महीने में एक आध बार अपने बालों पे मेहंदी अप्लाई करोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो भी इचिंग की प्रॉब्लम है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आपको हर्बल हीना का पैक आपको 40 रुपीज़ में इजीली कोई भी लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आप मेहंदी में अगर चाहो तो एक डाल सकते हो, कर्ड डाल सकते हो, इससे आपके बाल और भी ज़्यादा शाइनी करेंगे। तो गाइज़, आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग वीडियो।